अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन टू फिप्स एमटीपी, योर मल्टीटास्किंग पार्टनर। एंड जैसा कि मैं आप सबको कहती हूँ, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें एंड लर्न अ लॉट विद फिप्स एमटीपी। सो आज का जो टॉपिक है मेरा, वो बहुत ही डिफरेंट है। आपने एंड तक वीडियो को देखना है, बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स हैं और करंटली जो सिचुएशन चल रही है, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट है पाकिस्तान में, तो सेमेस्टर्स जिनके स्टूडेंट्स के एंडिंग पे है, लाइक दे हैव टू राइट अ थीसिस, तो वो कन्फ्यूज हैं कि हम कैसे लिखें। सो इसलिए आज का टॉपिक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन करना मत भूलिएगा। उसके लिए बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर अपडेटेड वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सो आज का मेरा जो टॉपिक है, दैट इज अबाउट हाउ टू राइट अ स्ट्रॉन्ग थीसिस, डिसर्टेशन और रिसर्च प्रपोजल। बेसिकली आप लोग थीसिस जब लिखने लगते हैं इंडिविजुअली, हर कंट्री का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि इंटरनेशनली आप थीसिस को किस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, आप कैसे फॉलो करते हैं। नो डाउट थीसिस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक कुछ लोग प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च करते हैं, कुछ का जो होता है वो एकेडमिक रिसर्च होती है, समथिंग लाइक डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। बट मैं आपको प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च का एक फॉर्मेट बताऊंगी कि आप अपने पीएचडी के लिए भी प्रपोजल कैसे तैयार करते हैं, एंड देन आप अपने थीसिस का भी प्रपोजल जो शॉर्ट होता है उसको कैसे बनाते हैं। सिंपल स्टेप्स हैं, मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाना है, और आप अपना पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी है वो उठाइए और ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपका टॉपिक अपना होगा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको देनी है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। इस वे में आप अपना थीसिस लिखेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेस। तो मेरा जो टॉपिक है, टॉपिक सेलेक्ट करने से पहले जो भी आपके माइंड में आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट द रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है कि मेन टॉपिक होता है जो आप सोचते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किस चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे मेरे माइंड में आया कि मैं अपने पाकिस्तान कंट्री में रिसर्च करूँगी, तो आई एम लिविंग हेयर इन जर्मनी और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में मैं स्टडी कर रही हूँ, तो इट डजेंट मैटर कि आपने जर्मनी का ही सिटी या कंट्री या जो भी सिलेक्ट करना है, आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट करना है, वो चाहे पाकिस्तान से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी इंडिया हो, जो भी कोई भी कंट्री हो, आपने टॉपिक पे फोकस करना है, आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको रिसर्च क्वेश्चन राइट किया है कि हाउ डीआरटी, डिमांड रिस्पांस ट्रांसिट, जिसको हम राइड हेलिंग भी कहते हैं, राइड हेलिंग जो होती है ये डिमांड रिस्पॉन्सिव एक ट्रांसिट होती है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में ऊबर और क्रीम यूज करते हैं, डिमांड करते हैं और ये आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑन डिमांड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीआरटी एंड राइड हेलिंग। एंड राइड शेयरिंग सर्विसेज, राइड शेयरिंग सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिनमें पाकिस्तान में करंटली कोई भी राइड शेयरिंग सर्विसेज नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट नो कि राइड शेयरिंग सर्विसेज क्या होती हैं। जर्मनी में जैसे बलाबला कार है और कार पूलिंग की बहुत सारी और भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो राइड शेयरिंग सर्विसेज जो है वो मैं जानना चाह रही हूँ कि डिमांड रिस्पॉन्स जो ट्रांजिट है, लाइक डीआरटी, राइड हेलिंग और राइड शेयरिंग सर्विसेज कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं इन सोशल सस्टेनेबिलिटी पाकिस्तान में, और कम करती हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। ठीक है, आप सब वाकिफ हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो पाकिस्तान में है, कि आपको करंटली प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो बेसिकली आपने रिसर्च क्वेश्चन को स्टार्ट जो करना है वो हाउ से स्टार्ट करना है, आपने डायरेक्ट व्हाट ये चीज़ें नहीं लगा देनी। तो आपने यहाँ पे देखना है कि आपके दिमाग में आ रहा है कि ठीक है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, उस करंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप किस तरह से देखना चाह रहे हैं कि जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं और राइड शेयरिंग सर्विसेज हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करें इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। इस तरह से आपके दिमाग में एक टॉपिक आएगा, एक थीसिस टाइप जो भी
तो आपने उसको जो है रिटन डाउन कर लेना है। रिसर्च क्वेश्चन को आप बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आपने जो है वो लिखना है रिसर्च क्वेश्चन पहले कि आप क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं, बिकॉज रिसर्च क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे प्रोफेसर हर कोई सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन आपका रीड करता है। ये एक किस्म की समरी होती है, कंसाइज फॉर्म होती है, जिसपे जो भी रीडर होता है वो फौरन से देख लेता है कि पूरी रिसर्च में ये क्या करना चाह रहे हैं। और मोस्टली चांसेस होते हैं उन लोगों का जिनका रिसर्च क्वेश्चन बड़ा ही स्ट्रांग होता है, उनके पब्लिकेशन जो है थीसिस की या जो भी प्रपोजल है उसके बहुत चांसेस होते हैं। सो इस तरह से फॉर्म में आपके दिमाग में जो भी टॉपिक आ रहा है आपने लिख लेना है, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम बेस्ड पे होना चाहिए। अच्छा जी, प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाइक आपको देनी होती है। सेकेंड थिंग, आपने रिसर्च क्वेश्चन मिड में इवन दो आता है, आप टॉपिक लिखते हैं देन आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं रिसर्च प्रपोजल में। सेकंड स्टेप आपका होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैंने रिसर्च क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इस वजह से एक्सप्लेन किया है कि आपने अपने दिमाग में रिसर्च क्वेश्चन बनाना है। सो स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो फर्स्ट थिंग आपने जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करनी है जी। प्रॉब्लम क्या है, जब आप रिटन डाउन करने लगेंगे तो प्रॉब्लम आप यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपने जितना ज़्यादा आप ग्राफिकली चीज़ों को दिखाएंगे, विजुअलाइज चीज़ें आपके थीसिस डिसर्टेशन में होंगी, उतना ज़्यादा आपका थीसिस अट्रैक्टिव होगा। यहाँ जैसे कि मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये चीज़ हाईलाइट की है कि नंबर ऑफ कार्स जो है वो अगर आप पाकिस्तान में देखें 2008 से 2019 तक तो ये इंक्रीज हो रही हैं, आप इनके नंबर स्पीकर्स चेक करें। तो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हाई करना है, हाईलाइट करना है, डिस्कस करना है कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही है पाकिस्तान में। मैंने प्रॉब्लम्स ये देखी कि नंबर ऑफ कार्स जो है वो अगर हम कंपैरिजन करें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और डेफिनेटली जब नंबर ऑफ कार्स बढ़ती जाएंगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के, लाइक ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, और ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं तो दैट लीड्स टू लाइक डेंजरस एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रॉबरीज होती हैं, पेशेंट डेथ्स हो जाती हैं, लाइक जब आपको वे नहीं मिलता ट्रैफिक जैम्स में तो वहाँ पे एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, उसकी वजह से डेथ्स हो जाती हैं, फ्यूल वेस्टेज होता है, फ्यूल वेस्टेज की वजह से एयर पोल्यूशन हो जाती है, कितनी सारी डिसीजेस हो जाती हैं, स्ट्रेस क्रिएट होता है, और मच मोर, लाइक क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू द हैवी यूज ऑफ ट्रैफिक, ड्यू टू द यूज़ ऑफ लॉट ऑफ नंबर ऑफ कार्स। आप देख रहे हैं कि डे बाई डे आपका नंबर ऑफ कार बहुत ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है। तो जो बाहर के कंट्रीज हैं वो भी दे आर फोकसिंग अ लॉट के सस्टेनेबल मोबिलिटी कैसे लाई जाए जो कि एफिशिएंट भी हो और पोल्यूशन क्रिएट ना करे। क्लाइमेट चेंज में जो है उसका जो रोल है वो लाइक पोल्यूशन क्रिएट ना करे, हेल्दी हो। सो इंटरनेशनली तो बहुत फोकस किया जा रहा है ई कार्स एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ। एनीवे पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो इन्होंने किस तरीके से क्या इंट्रोड्यूस करवाया और ये चीज़ें मतलब कितनी बेनिफिशियल हैं पाकिस्तान के लिए, यही मेन टॉपिक है। सो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हाईलाइट करना है जो भी, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन आप बनाते हैं प्रॉब्लम की बेस पे। तो प्रॉब्लम क्या चल रही है पाकिस्तान में, ट्रांसपोर्टेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हाईलाइट हो रही हैं वो आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताना है विद फिगर्स एंड फैक्ट्स, और जो आपने सोर्सेज हैं वो लाजमी कोट्स करने हैं, लाइक वो भी मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अपनी वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना आर्टिकल सर्च करते हैं, किस तरीके से सोर्स क्रिएट करते हैं और अपने थीसिस में कैसे सोर्स को इंसर्ट करते हैं। सो आप जैसे कि पाकिस्तान में हम एक डिफरेंट बताते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फॉर एग्जांपल किस तरह से पाकिस्तान में दिख रही है, और लेडीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती, लाइक सेक्सुअल हरासमेंट भी होती है, एंड देन बहुत ज़्यादा कंजेशन, आप सफिकेशन होती है, ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो आप एक सिनेरियो बताते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की पाकिस्तान में, देन अगर आप फिर आगे से जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर रहे हो उनका सोल्यूशन बताते हो। फॉर एग्जांपल आप बताते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसकी ये प्रॉब्लम्स है, बट टैक्सी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बट स्टिल आपको पता है कि टैक्सी एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है, हर कोई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स बता रहे हो वहाँ पे यानी सोल्यूशन बता रहे हो वहाँ पे आपने उसका प्रॉब्लम भी बताना है।
देन आपने सॉल्यूशन बताया जी, प्रॉब्लम जो थी वो आपकी टैक्सी अगर कॉस्टली है तो मेट्रो बस प्रोजेक्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो अच्छे हैं, कोई कंजेशन लाइक नहीं है, सफोकेशन नहीं होती, आप इजीली ट्रैवल करते हो, बट स्टिल आप देख रहे हो कि इस सॉल्यूशन में भी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप वो भी बताओगे। आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, लाइक ऑब्वियसली हर घर घर से तो नहीं मेट्रो बस चलती ना, तो आपने अगर किसी एक एरिया में रहते हैं उस एरिया से आपने मेट्रो बस तक अप्रोच करना है, तो वो प्रॉब्लम्स आप हाईलाइट करोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो आप देन फिर आपने देखा कि जी इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आया, इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन आया जी कार राइड हेलिंग का, जो DRT मैंने अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाया था, आपने वो रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन किया कि उसको सॉल्यूशन में आ गया राइड हेलिंग, जो कि अभी पाकिस्तान में जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो करीम और ऊबर हैं, और मैंने इन्हीं दो कंपनीज को हाईलाइट किया है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने तरीके से अपना टॉपिक ले सकते हैं, एक स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ। तो मैंने जो है राइड हेलिंग वर्सेस राइड शेयरिंग करना था, तो राइड हेलिंग में भी मैंने स्पेसिफिक किया DRT में करीम और उबर को, बहुत सारी हैं, अगर आप सबको ले आए तो वो बहुत बड़ा थीसिस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली टू को जो है कंपनीज को मेंशन किया है। अच्छा जी, अब आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत आपने ये चीजें बतानी है, डिटेल्ड आप बाद में लिटरेचर में बताते हैं। देन राइड शेयरिंग क्या है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है, राइड शेयरिंग दुबई में ये करीम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, इसमें ये बाइक है, साइकिल फॉर शेयरिंग है, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड है। तो राइड शेयरिंग की भी काफ़ी सारी काइंड्स होती हैं, जो कि आप लिटरेचर रिव्यू में बताते हैं। आप अपने रिसर्च क्वेश्चन में जो भी चीज़ें इंक्लूड करेंगे ना, जो वर्ड्स, उन सबको आपने एक्सप्लेन करना है अपने लिटरेचर में। देन गैप, आप गैप डिफाइन करेंगे कि आप ये स्टडी मतलब क्यों करना चाह रहे हैं, क्या है, तो वो गैप एक बताते हैं कि राइड हेलिंग इंट्रोड्यूस तो हो गई है, लाइक प्रीवियस तो प्रॉब्लम आपने सभी बता दी कि टैक्सी भी ऑप्शन आई, मेट्रो प्रोजेक्ट भी आया, उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई, तो रिसेंटली जो है राइड हेलिंग है DRT भी आया पाकिस्तान में, बट हमारे दिमाग में ये बात आई है कि राइड हेलिंग के आने की वजह से नंबर ऑफ कार्स पाकिस्तान में इंक्रीज हो गई हैं, डिक्रीज होने के बजाय और इंक्रीज हो गई हैं, बिकॉज पीपल आर यूजिंग ये ऑप्शन यूज कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा अपनी जो कार्स हैं या जो वो उनको करीम या उबर में रजिस्टर्ड करा देते हैं, और अपने काम से हटके वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए इसको एज अ बिजनेस यूज कर रहे हैं, या एज अ एक्स्ट्रा मनी जो भी आप कह लें वो यूज कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर ये एज अ सोल्यूशन आया, बट स्टिल नंबर ऑफ कार्स आर इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान, तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है इसको प्रॉपरली अभी तक आंसर पाकिस्तान में नहीं है और ना किसी ने स्टडी किया है। देन फिर मैं अपनी तरफ से आपको एक मतलब अपने भी एक हाइपोथेसिस क्रिएट करती हूँ कि यहाँ पे हाइपोथेसिस लाइक यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन इस स्टेप में आता है, थर्ड स्टेप में, कि आपने फिर रिसर्च क्वेश्चन बना दिया कि हाउ DRT राइड हेलिंग एंड राइड शेयरिंग सर्विसेज कैन कंट्रीब्यूट इन द सोशल सस्टेनेबिलिटी, लाइक आप पाकिस्तान की सोशल सस्टेनेबिलिटी में कैसे ये कंट्रीब्यूट करती है, और एंड लिमिट द अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, और किस तरह से लिमिट करती है, कम करती है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने ये डिफाइन कर लिया था कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या है, पाकिस्तान की करंटली क्या सिनेरियो है। तो ये चीज़ें आपने एक कंसाइज फॉर्म में करके आपने एक रिसर्च क्वेश्चन बना दिया, जिससे ओवरऑल जो भी आपका रीडर होगा, उन जो प्रोफेसर होंगे, उनको पता चल जाएगा कि आप जो है वो क्या करना चाह रहे हैं। तो आगे जी फर्दर आप अपने जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा सब क्वेश्चन बना लेते हैं, जिसमें वो रीड करते हैं, आपके प्रोफेसर हैं जो, या जिनको भी आप अपना प्रपोजल शो करवा रहे हैं वो रीड करेंगे कि फॉर एग्जांपल नंबर वन पे आप डीपली स्टडी करना चाह रहे हैं राइड हेलिंग इकोनॉमी या DRT आप कह लें, इनके बेनिफिट पेन्स एंड गेन्स होते हैं, बेनिफिट आप इनके रीड करना चाह रहे हैं, हाउ कैन दे कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल मोबिलिटी इन पाकिस्तान, टू वट एक्सटेंट अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स got resolved after introducing DRT solution। फिर मैंने जैसे आपको बोला था कि बाकी सारी तो जो सॉल्यूशन है उनके फर्दर प्रॉब्लम्स का आपको पता है, बट आपको अभी तक ये नहीं पता कि राइड हेलिंग जो आई है ऊबर और करीम,
इसके अभी क्या रिजल्ट्स हैं, कितना जो है वो पाकिस्तान का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कितना ज्यादा सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, क्या है, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, तो आप रिसर्चर जो आपका सॉरी प्रोफेसर है उनको बताना चाह रहे हैं कि मैं ये चीज करना चाह रहा हूँ। सेकेंड थिंग कि आप ये उनको बताएंगे कि कैसे, वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आप ये करेंगे बट कैसे, हाउ, तो आप लिखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू से, इंटरव्यू से, वट एवर जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, मेथडोलॉजी है, वो आप साथ साथ डिफाइन करेंगे कौन से मेथड आपने रिसर्च यूज करने हैं और किस तरह से। देन आप उनको लाइक बताएंगे कि लिटरेचर रिव्यू एंड एक्सपर्ट इंटरव्यूज वुड हेल्प टू आंसर दीज क्वेश्चंस। लाइक आप ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स इंटरव्यू जो उबर और करीम के होंगे उनसे आप क्वेश्चंस करेंगे, आपके जो भी माइंड में है आप उनसे क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से वो रन कर रहे हैं कंपनीज को, किस तरह से उनको बेनिफिट हो रहा है, कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन से लॉस हैं, अभी तक उनके प्रोजेक्ट्स कितना रनिंग में जा रहे हैं। देन आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि आप अगर दुबई में जो है वो करीम राइड शेयरिंग की सर्विस दे रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं दे रहा, मतलब ये आप एक चीज़ें हैं जो आप पाकिस्तान के लिए सामने लेके आएंगे कि क्या क्या चीज़ें डिमांड हैं, गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं या वो कस्टमर से डिमांड कर रहे हैं। एनीवे आपने अपने यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन के सब क्वेश्चन बनाने जिसमें आपने बताना है कि आप अपने ओवरऑल थीसिस में क्या क्या करेंगे। देन थर्ड थिंग है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजंस व्हाई राइड शेयरिंग सर्विसेज आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। मैं आपको जैसे पहले ही बता सकती हूँ कि आप एक्सपर्ट इंटरव्यू से ये चीज़ें पूछेंगे कि अदर कंट्रीज में हैं आपकी करीम की सर्विसेज हैं, बहुत सारी करीम और ऊबर की सर्विसेज हैं अदर कंट्रीज में जहाँ पे वो राइड शेयरिंग कर रहे हैं बट पाकिस्तान में ये फॉरबिडन है, बट वाई, ये क्वेश्चन हमने एक्सपर्ट से निकलवाना है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ राइड शेयरिंग सर्विसेज, लाइक कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं राइड शेयरिंग में जो कि कम्यूटर ट्रैवलर, जैसे कि लाइक मैं एक ट्रैवलर हूँ और मुझे ये सर्विसेज चाहिए राइड शेयरिंग की, मैं यहाँ पे जर्मनी में यूज़ करती हूँ राइड शेयरिंग की सर्विसेज एंड आई एम वेरी कम्फर्टेबल विद दैट। अगर मैं पाकिस्तान में जाती हूँ तो ऑब्वियसली कोई मुझे इंटरव्यू कर देगा और मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उनको बताऊँगी अपने इंटरव्यू में कि ऐसे ऐसे चीज़ें, ये पैरामीटर्स होने चाहिए, ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए इस सर्विस में। So, इसके लिए मैंने खुद से सोचा कि मैं कंप्यूटर का इंटरव्यू करूंगी, देन इट वुड बी हेल्पफुल लाइक उनका इनर बाहर लेके आने के लिए ना कि वो क्या चाहते हैं सर्विसेज में, ताकि जब हम इन कंपनीज को या गवर्नमेंट को एक सजेशन देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल एक रियलिस्टिक हो, एक लाइक वी कैन से कि बहुत ज़्यादा कस्टमर की बेस पे, कंप्यूटर की बेस पे वो हो। जब कोई चीज़ ऑन डिमांड यानी कस्टमाइज बनाई जाती है, जैसे हम अपनी कोई ऑर्डर लेते हैं कस्टमाइज, तो बड़ा सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए कोई प्रोजेक्ट भी हम कस्टमाइज लेके आते हैं लोगों की, पब्लिक की ओपिनियन के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत ज़्यादा ना सक्सेसफुल होता है। तो ये एक एट्रीब्यूट या आपके लिए सब क्वेश्चन ऐड किया हुआ है कि मैं राइड तो शेयरिंग की सर्विसेज लाना चाहती हूँ, वो कम्यूटर या ट्रैवलर के पर्सपेक्टिव से उनके जो भी उनके रिस्पॉन्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग लेके आना चाहती हूँ। तो ये पैरामीटर्स कैसे होंगे, डेफिनेटली ये भी हम कंप्यूटर एक्सपर्ट इंटरव्यूज करेंगे, एक्सपर्ट इंटरव्यू से भी हम पूछेंगे कि राइड शेयरिंग में क्या क्या होना चाहिए और कंट्रीज में कैसे ये रनिंग हो रही हैं चीज़ें जो यहाँ पे भी हों। तो एनीवे इस तरह से आप अपने जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके सब क्वेश्चन बनाएंगे और जिसमें आप ये क्लियरली डिफाइन करेंगे कि रिसर्च क्वेश्चन में डीपली आप और क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, जो आपका प्रोफेसर है या जो भी प्रपोजल आपको रीड कर रहा है, वो चाहे पीएचडी है या आपका मास्टर्स का थीसिस है, उनमें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली आपने मेंशन करनी है ताकि उनको ओवरऑल एक मिल जाए कि हाँ ठीक है, इस पे इनकी मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इनके ये हैं थीसिस के ओवरऑल। अच्छा जी, मेथडोलॉजी आपका थर्ड स्टेप आ जाता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आपने डिफाइन किया अपना रिसर्च क्वेश्चन, वहाँ पे फिर आपका आ गया मेथडोलॉजी पार्ट। मेथडोलॉजी पार्ट में आपने जी थ्योरी थ्योरी कौन सी थ्योरी आपके थीसिस को सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे मैंने जो अपना टॉपिक सिलेक्ट किया था उसमें थ्योरी ये डबली रिफ्लेक्टिव मॉडल है, एक आप अपने जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हर किसी की थ्योरी होती है, कोई थ्योरी सपोर्ट करनी चाहिए आपके थीसिस को। तो मेरे यहाँ पे जैसे देखें, एक प्रॉब्लम मैंने डिफाइन की अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो भी थी, देन उसकी उस प्रॉब्लम से आगे रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन उस प्रॉब्लम पे मैंने सब कुछ दिया
और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम थी उसके सजेस्टेड सॉल्यूशन क्या आए थे। सजेस्टेड सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको डिफाइन किया कि टैक्सी आई, मेट्रो प्रोजेक्ट्स आए, देन राइड हेलिंग आई, ये सब सॉल्यूशन आए। अब उन सॉल्यूशन पे फिर मैंने रिफ्लेक्शन डाला तो उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स अगेन है, और उस पर मैंने उन प्रॉब्लम्स पे जो जो सॉल्यूशन थे, देन अगेन उन सॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स मैंने रिफ्लेक्शन दिया, एंड देन फिर मैंने अपना एक सजेस्टेड सॉल्यूशन दिया राइट शेयरिंग का, एंड देन उस पर स्टडी करके सारा कुछ, तो एक्शन के लिए मैंने अपना जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया था वो मैं एक्शन यानी कि रिकमेंडेशन दूंगी। तो इस तरह से ये मेरे थीसिस को, ये पूरी थ्योरी जो है वो सपोर्ट कर रही है। ऐसे ही आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी थ्योरी जो है वो उस चीज़ को सपोर्ट करेगी। कोई भी जो भी लेंगे तो आपने अपनी थ्योरी को मेथडोलॉजी में ज़रूर डिफाइन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने सोर्स लाजमी, कोई भी चीज़ कहीं से भी उठाते हैं सोर्स लाजमी आपने मेंशन करना है, बिकॉज इसकी वजह से प्लेजरिज्म आ जाता है। प्लेजरिज्म को कैसे कम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें बताती रहूँगी, क्योंकि जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मैं अपनी वीडियो में डालती हूँ, वो चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो या जो भी कॉमन यूजर्स हैं उनके लिए। एनीवे मेथडोलॉजी आप लिखेंगे, और मेथडोलॉजी में आपने थ्योरी सबसे पहले डिफाइन करनी है, आप कौन सी थ्योरी आपकी थीसिस को सपोर्ट कर रही है। देन आपने जो जो मेथड्स यूज़ किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप लिटरेचर रिव्यू यूज़ कर रहे हैं, तो आपने डिफाइन करना है कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, इसकी डेफिनेशंस होती हैं। देन आपने फिर अपने टॉपिक से रिलेटेड बताना है कि मैं अपने टॉपिक में या अपने थीसिस में लिटरेचर रिव्यू इन इन चीज़ों के लिए यूज़ कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिखेंगे, मेरे एग्जाम्पल के तौर पे, सॉरी, ये आप लिखेंगे कि आपने लिटरेचर रिव्यू यूज़ किया है थ्योरी देखने के लिए, जो लिटरेचर है राइड शेयरिंग, राइड हेलिंग का, अदर कंट्रीज़ में राइड शेयरिंग कैसे चल रही है, देन सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, ये लिटरेचर रिव्यू है। आप रीड करेंगे, आर्टिकल्स रीड करेंगे, उनका डाटा उठाएंगे, तो ये सब कुछ आप लिटरेचर को रीड कर रहे हैं, तो आपने अपने केस में बताना है, यानी कि पहले लिटरेचर की डेफिनेशन बतानी है विद सोर्सेज, आपने उनको साइटेशन देनी है, एंड देन फिर आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताना कि मैं किस किस पर्पस के लिए लिटरेचर रिव्यू यूज़ कर रही हूँ। देन पैसेंजर राइड इंटरव्यू आप कर रहे हैं, अब आप इंटरव्यू किस टाइप के करें, आपने इंटरव्यूज़ की डेफिनेशन देनी है, वो इन डेप्थ है, फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है, जो भी इंटरव्यू की नेचर है आपने वो डिफाइन करनी है। देन आपने बताना है कि ओके कंप्यूटर से इंटरव्यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, आपका क्वेश्चनेयर क्या है, आप एक्सपर्ट से करना चाह रहे हैं तो आपके एक्सपर्ट्स कौन कौन से हैं। हर मेथड को डिफाइन करने के बाद आपने ये भी चीज़ें लाजमी लिखनी है कि आपके थीसिस से रिलेटेड इन मेथड्स को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें आपने डिफाइन करनी है। देन आप अगर ऑनलाइन क्वेश्चनेयर सर्वे कर रहे हैं, यानी जो भी आपने मेथड यूज़ करना है आपने उस मेथड को पहले डिफाइन करना है, एंड देन फिर उसके बाद आपने नीचे अपने थीसिस से रिलेटेड वो चीज़ें लिखनी है कि ये किस पर्पस के लिए हमारी थीसिस को सपोर्ट कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं। ओके जी, फिर आपने स्टेक होल्डर्स को बताना है, स्टेक होल्डर में क्या है जी, आप लिखेंगे कंपनीज, आपको ऑब्वियसली स्टेक होल्डर वो होते हैं जिससे आपके थीसिस को आपके थीसिस से जिसको फ़ायदा होने वाला हो, ऑब्वियसली वो कंपनीज जो आप चूज़ करेंगे सेलेक्टिव, वो जैसे मेरे केस में उबर और करीम है, उनको फ़ायदा होगा क्योंकि मैं कस्टमर का पर्सपेक्टिव उनके सामने लेके आऊँगी, तो उनको फ़ायदा होगा। ओके क्लाइंट्स या कम्यूटर ट्रैवलर जो भी हैं उनको ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, और अगर हम ये राइड शेयरिंग उनके अकॉर्डिंग लेके आएंगे तो हमारा जो है वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पीक पे जाएगा, तो ऑब्वियसली उनको फ़ायदा होगा। तो जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा हो एक चीज़ से वो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। देन सेकेंड जो है वो ट्रैवलर कम्यूटर्स हैं, ऑब्वियसली जब उनके एक डिमांड के अकॉर्डिंग एक सर्विस आ जाएगी तो ऑब्वियसली उनको भी बेनिफिट होगा। देन गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा कि जितना प्रोजेक्ट्स रनिंग में आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इसके अलावा और भी गवर्नमेंट को बहुत से बेनिफिट्स हो जाता है, कंजेशन कम अगर होती है, और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज आता है, पोल्यूशन कंट्रोल हो जाता है, डिसीजेस कम हो जाती हैं, बहुत सी मतलब लाइक बेनिफिट्स आपने लिखने होते हैं कि हमारे थीसिस से या इस टॉपिक से या इस प्रोजेक्ट से किसको फ़ायदा हो रहा है, तो वो आप चीज़ें स्टेक होल्डर पे लिखते हैं। अच्छा जी, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें बता रही हूँ आपने पेंसिल्स लेके ना लिखना है, लाइक आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हाईलाइट कर दिया, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही फिर रिसर्च क्वेश्चन बताना है, एंड देन आपको मैंने बताया था कि आपने
रिसर्च क्वेश्चन के बाद आपने मेथडोलॉजी डिफाइन करनी है कि आप कौन कौन से मेथड्स यूज कर रहे हैं. फिर लिटरेचर रिव्यू में आपने सारा लिटरेचर लिखना है, जो जो रिसर्च क्वेश्चन में जो जो कीवर्ड्स आपने यूज किए उन सब पे आपने लिटरेचर लिखना है. और जो मेथडोलॉजी पार्ट है उसमें आपने सब मेथड्स भी लिखने हैं. और फिर उसके बाद आपने वो यानी कि मेथडोलॉजी में जो भी आपने मेथड्स यूज किया वो लिखने हैं, और उनको फिर आपके थीसिस में कैसे हैं वो चीजें आपने करनी है. लिटरेचर एक अलग से चीज है जिसमें आप थ्योरी लिखेंगे, और फिर आपने जो की टर्म्स हैं रिसर्च क्वेश्चन में यूज हुई वो आपने लिखनी है. और साथ ही आपने स्टेक होल्डर भी लिटरेचर के फोल्डर उसमें सॉरी हेडिंग्स में ही आपके आएंगे, जहाँ पे आपने ये बताना है कि हमारे प्रोजेक्ट से किसको फायदा हो रहा है. देन जो नेक्स्ट हेडिंग है पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी आप ये बताते हैं. अच्छा, ये जो मैं आपको ये हेडिंग्स हैं ये एक प्रपोजल की हैं कि आपने अपने थीसिस में बताना है. जब आप प्रॉपर पूरा थीसिस लिख रहे होते हैं तो ये फिर आपने डिटेल्ड में चीज़ें सारी लिखनी होती हैं. ये एक फॉर्मेट जो है वो एक रिसर्च या डिसर्टेशन जो भी आप कह लें थीसिस उसका प्रपोजल की हैं. एंड पॉसिबल आउटकम्स यही हैं कि आपके आउटकम्स क्या आ सकते हैं थीसिस से. वो आपने बता दिया कि रिपोर्ट टेल्स हु इज रियली विनिंग राइड हेलिंग टीम उबर है या करीम है. लाइक आप जब डीप डिटेल्स स्टडी करेंगे करीम और उबर को तो रिपोर्ट से पता चलेगा कि अभी तक कौन सा जो है वो बेनिफिट जा रहा है और इन इसके आने से क्या फ़ायदा हुआ है, कितनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई हैं. इसके अलावा जो है और क्या आउटकम्स है, हाँ ये भी पता चलेगा कि लाइक ये कितना सस्टेनेबल है या नहीं है, प्रॉब्लम्स अभी तक सॉर्ट आउट हुई हैं कि नहीं है. एंड देन और क्या हो सकता है, नंबर थर्ड पे इज राइड शेयरिंग सर्विसेज हैव टू ओवरकम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विच रिड्यूस नंबर ऑफ कार्स ऑन अ रोड. लाइक हमें रैली में पता चलेगा कि ये नंबर ऑफ कार्स रिड्यूस हुई हैं कि नहीं इसके आने से. और राइड शेयरिंग को जब हम रीड करेंगे तो राइड शेयरिंग लिटरेचर से भी हम रीड करेंगे कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो चीज़ें भी हमें पता चलेगा अगर हम अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फायदे हमें हो सकते हैं. लिमिटेशन जी फाइनली चीज आ जाती है लिमिटेशन एंड रिकमेंडेशन के आपकी स्टडी में आपको क्या लिमिटेशन हुई या ओवरऑल क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं स्टडी से रिलेटेड. और रिकमेंडेशन में आप फ्यूचर रिकमेंडेशन देते हैं कि मैं ये चीज़ें जो है वो फ्यूचर में लाइक मैं कवर नहीं कर पाई बट मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि फ्यूचर में वो इस चीज़ पे रिसर्च करें. या फिर इसके अलावा रिकमेंडेशन ये भी हो सकती हैं कि आप गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, आप उन कंपनीज को कोई रिकमेंडेशन देना चाह रहे हैं अपने थीसिस की बेस पे. तो ओवरऑल आप ये चीज़ें रिकमेंडेशन देते हैं एंड देन फाइनल आप कंक्लूजन लिखते हैं. कंक्लूजन में ओवरऑल आपका थीसिस का एक समरी है जो कि अब्स्ट्रैक्ट भी सेम लाइक होता है. एंड देन एंड पे आपको पब्लिकेशन की जो बिब्लियोग्राफी है वो आपने लाजमी दिखानी होती है. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज इसके बगैर जो है वो बिल्कुल भी थीसिस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता. इनफैक्ट प्लैजरिज्म का इशू आ जाता है. तो साइटेशन कैसे डालते हैं एंड पब्लिकेशन बिब्लियोग्राफी कैसे एक रिसर्च में डालते हैं थीसिस में डालते हैं थ्रू सितावी और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बट मैं आपको इंशाल्लाह सितावी के थ्रू जो है वो डालना सिखाऊंगी, इंसर्ट करना सिखाऊंगी कि आप कैसे साइटेशन डाल सकते हैं एक थीसिस में इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में. यहाँ पे मेरा जो है वो टॉपिक भी एंड होता है. आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मसला है वो हल हुआ होगा. फिर अगर आपके दिमाग में कोई भी क्यूरी है तो यू कैन आस्क मी, लाइक कमेंट भी कर सकते हैं एंड देन आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की मदद करके, स्टूडेंट्स की स्पेशली जो कि अभी न्यूली आए हैं उनका फर्स्ट फर्स्ट थीसिस है और वो परेशान है. तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प देम आउट. आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क. इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा. जल्द ही न्यू वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ एक अच्छे से टॉपिक के साथ. तब तक दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.